93.4। तो आगे का क्या अब आपका रहेगा? इसके बाद अभी हमारे एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कर। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने सभी टीचर्स का, उन्हीं की मेहनत से हम यहाँ तक पहुँच पाए। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह आज आपके बच्चे ने इतने अच्छे नंबरों से परसेंटेज लेके आया, क्या कहेंगे? आज मुझे अपने बच्चे पे फख्र है कि जैसे इसने टेंथ में भी पोजीशन ली थी, इस बार इसने फिर पोजीशन ली थी, क्योंकि हमें विश्वास था जिस तरह से ये पढ़ता था, हालांकि ये देहरादून में होता था, हम इससे डेली बातचीत करते थे, तो ये स्कूल के अलावा भी जैसे हॉस्टल में पहुंचता था तब भी ये पढ़ाई करता रहता था, और उसके बावजूद इसने मतलब 93.4 अगर परसेंटेज आई है, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक जो नेत्रहीन बच्चा है वो इतनी अच्छी परसेंटेज ले सकता है, तो वो बच्चे जो अच्छा भला दिखते हैं, अच्छा भला पढ़ाई कर सकते हैं, वो क्यों नहीं अच्छी परसेंटेज ले सकते। मैं इसके साथ साथ वो बच्चों को भी एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो जैसे माइकल ने हमारा, हमारे परिवार का, अपनी कम्युनिटी का, अपने जम्मू स्टेट का नाम रोशन किया है, वैसे ही वो बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह आपने इतने अच्छे नंबर लिए हैं? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने सभी टीचर्स का, उन्हीं की मेहनत से हम यहाँ तक पहुँच पाए। और पढ़ाई मतलब अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हमेशा ही पढ़ो, अगर कंसिस्टेंट पढ़ो उसके साथ, पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी काम करना चाहिए हमेशा। तो कितने परसेंटेज आए आपके? 93.4। तो आगे का क्या अब आपका रहेगा? इसके बाद अभी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करूँ। बाकी लोगों को, बाकी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाकी सबको यही मैसेज है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बस अपने आप पे ट्रस्ट रखो और मेहनत करो, सब कुछ हो जाए।